तो आज मैं लेकर आया हूँ द ऑल न्यू फायर टीवी थर्ड जनरेशन, जो कि आपका नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी और स्मार्ट टीवी को स्मार्टर और फास्टर बना सकता है। इससे पहले मैं 2 HD और 1 4K फायर टीवी स्टिक यूज़ कर चुका हूँ, तो आज मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए इसका फीचर और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभंकर। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है। बॉक्स में मिलता है अमेज़न फायर टीवी स्टिक 3rd जनरेशन, एलेक्सा वॉइस रिमोट 3rd जनरेशन, 2 AAA बैटरी, पावर अडैप्टर, USB केबल और HDMI एक्सटेंडर केबल। तो अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट एकदम पीछे है तो उसके लिए एक्सटेंडर यूज़ करके आप उसको साइड में कर सकते हैं और फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, स्पेसिफिक क्या है। तो ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है और इसमें बहुत सारे ऐप सपोर्ट हो जाता है एलेक्सा वॉइस रिमोट के साथ, और इसमें एलेक्सा वॉइस कंट्रोल भी है। आप कुछ भी बोल के सर्च कर सकते हो या फिर कुछ भी अमेज़न फायर टीवी स्टिक वॉइस से आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये है एक्सटेंडर, ये हो गया 3rd जनरेशन वॉइस कंट्रोल रिमोट और डेडिकेटेड बटन प्राइम और नेटफ्लिक्स अमेज़न म्यूज़िक, और ये है USB अडाप्टर, और ये मेन डिवाइस फायर टीवी स्टिक 3rd जनरेशन, 2 AAA बैटरी और एक अडाप्टर। आने वाले वीडियो पर मैं ये 3rd जनरेशन फायर टीवी और जो पुराना जो फायर टीवी स्टिक है इन दोनों में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, उन दोनों का बूट टाइम कितना है और स्पीड कितना है, लैग कितना हो रहा है, सब मैं प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।